नवजात बच्चों की खरीदी करने वाले रैकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में बात करते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि नागपुर से हैदराबाद के दंपत्ति को ये नवजात शिशु बेचा गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर बच्चे को सुरक्षित नागपुर ला लिया। बीते कुछ दिनों से उपराजधानी नागपुर में नवजात शिशुओं के खरीदने के मामले में इजाफा हो गया था। इस बीच ऐसा ही एक और मामला क्राइम ब्रांच अंतर्गत सामने आया, जहां हैदराबाद के एक दंपत्ति को नागपुर की एक युवती से जन्मे नवजात शिशु को बेचा गया। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी डॉक्टर विलास भोयर और उनके दलाल मोरेश्वर ने हैदराबाद के एक दंपत्ति से सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने के लिए 5 लाख रुपए में सौदा किया था, जिसके चलते उन्होंने एक लड़की को अपने इस योजना में शामिल कराकर युवती का अबॉर्शन ना कराते हुए उसकी फर्जी नाम से डिलीवरी करवाई और उस नवजात शिशु को हैदराबाद के दंपति को बेच दिया। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। एक गुप्त माहिती हमारे पास आई थी कि एक कुछ ब्रोकर है और कुछ एक डॉक्टर है जो छोटे बच्चे न्यूली बॉर्न बेबीज को का व्यापार का ट्रैफिकिंग कर रहे। इस गुप्त बातमी के आधार पे क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम लगाई गई थी और इसमें एक गुनाह दाखिल किया गया है। एक डॉक्टर भोयर हैं जो बीएमएस डॉक्टर हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। उनके एक दलाल मोरेश्वर जो पहले पीटा एक्ट के आरोपी भी रह चुके हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया है। इस मैटर में ऐसा समझ में आया है कि एक कपल जो हैदराबाद में रहते थे, उनको लियोर करके यहाँ लाया गया, उनको जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे और उनको यहाँ ला करके सरोगेसी के द्वारा बच्चा बर्थ किया जाएगा, ऐसा प्रकार के उन आश्वासन दे करके उनसे करीब 5-5.5 लाख में सौदा किया गया। एक दूसरे एक व्यक्ति, एक लड़की जिसको कि अपना एबॉर्शन कराना था, उसको इस साजिश में शामिल किया गया। उसका डिलीवरी फेक नाम पे कराया गया और वो करा करके उसके बाद ये बच्चे को हैदराबाद में बेचा गया था। ये गुनाह परसों दाखिल किया गया था और इसमें बच्चे को रिकवरी करने के लिए टीम हैदराबाद गई थी। वो न्यूली बॉर्न बेबी जो करीब 28 जनवरी के आसपास जिसका बर्थ हुआ था, वो रिकवर करके लाया गया है। उसके जो कपल थे जिनको ये बेचा गया था, उनको भी लाया गया है। फिलहाल अभी 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इसमें 370 IPC जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और चीटिंग और फोर्जरी के डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत ऑफेंस दाखिल किया गया है। इसमें कुछ हॉस्पिटल्स कुछ डॉक्टर्स और भी संदेह के घेरे में हैं। इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया गया है और तपास क्राइम ब्रांच के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा कुछ अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन तपास बहुत ही प्राथमिक स्टेज पे है। इसकी विस्तृत जानकारी योग्य समय पे दी जाएगी। इस संदर्भ में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें, डॉक्टर विलास भोयर का कुंथाड़ा में एक अस्पताल है। इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।